शिव से विधायक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद रविंद्र भाटी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर राजपूत समाज ने प्रदेश भर में विरोध शुरू कर दिया है। गुरुवार को विभिन्न राजपूत संगठनों ने जयपुर के कलेक्ट्रेट का घेराव कर रविंद्र को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग की। राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने कहा, अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में प्रदेश भर में राजपूत समाज के 36 कौम के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी जनता द्वारा चुने गए हुए विधायक हैं, न जाने क्यों सरकार को उनसे ईर्ष्या हो रही है। उनके खिलाफ जानबूझकर साजिश रची जा रही है, उनके समर्थकों और वोटर्स को परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही रविंद्र को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसलिए आज रविंद्र को सुरक्षा देने की मांग को लेकर राजपूत समाज के 736 कौम के लोग जयपुर की सड़कों पर उतरे हैं। अगर सरकार ने उन्हें जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी तरह सरकारी लापरवाही की वजह से हम हमारे समाज के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को खो चुके हैं। दरअसल शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा कपूरी सर नाम की आईडी से धमकियां दी गई। धमकी वाली पोस्ट में लिखा, रविंद्र सिंह भाटी को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इस तरह से उछलने की कोशिश की वह दिन दूर नहीं होगा, लोग कहेंगे एक और राजपूत सितारा चला गया। हम तो चुनाव से पहले ही बहुत कुछ बदल सकते थे। उम्मेद राम बेनीवाल ने कांग्रेस में जाने की निराशजनक स्थिति के कारण ही रविंद्र सिंह भाटी इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रह पाया, वरना हमने तो बड़े बड़े लोगों को पैरों के नीचे रखा है। हमें ना तो कोई चुनाव लड़ना है और ना कोई सत्ता का शौक है। हम चाहते हैं कि हमारी कौम के ऊपर कोई गलत नजरिए से देखने की हिम्मत भी नहीं करे। शिव विधायक श्री रविंद्र सिंह जी भाटी को जान से मारने की जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो धमकियां दी जा रही है, जो हर बार उनको कि 5 जून को हम आपको मौत के घाट उतार देंगे, उस संबंध में उनको जेड प्लस सुरक्षा देने के लिए हमने मुख्यमंत्री के ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय के द्वारा वो प्रस्तुत किया है कि उनको जेड प्लस सुरक्षा दी जाए और ऐसे सामाजिक असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे भविष्य में ऐसी दोबारा ऐसी कोई वारदात ना हो। क्योंकि पहले भी हमने एक हमारे समाज के बहुत युवा कर्मठ कार्यकर्ता श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को सुरक्षा नहीं देने के कारण उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो हम ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी हम सरकार से आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उनको जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध कराएं। इसी संबंध में हमने कलेक्टर महोदय के द्वारा ये ज्ञापन सरकार के पास भिजवाया है। सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो क्या आगे का कदम रहेगा? सरकार यदि इस संबंध में मांग नहीं मानती है तो संपूर्ण राजस्थान के जो सर्व समाज के जो जितने भी युवा और कार्यकर्ता महिलाएं जो है इस संबंध में मार्गदर्शन जो हमें मिलेगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। लोग यहाँ पे आए और हमारा ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया उसी के संबंध में, ताकि उनको जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। और जो प्रतिभा है हमारे जो सामाजिक स्तर पे जिस तरीके से उन्होंने काम किया और जिस तरह से उनके ऊपर जो ये धमकियों का और जो मामला सामने आता है उसके खिलाफ अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो जो सर्व समाज का जो संगठन है उसको देखते हुए एक प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन का जो आक्रोश दिख रहा है वो दिखाई देगा।